मैं ट वीडियो लेकर आई हूँ तो so, आज का टॉपिक है ओल्ड रेट्रो बॉलीवुड मेकअप लुक सो यस जैसे कि आपको मालूम है 70s 80s की जो एक्ट्रेस हुआ करती थी उनका लुक किता प्रेड़ी, किता प्रेड़ी, कितना प्रीडी कितना ब्यूटीफुल कितना यू नो हुआ करता था तो so, में से किसी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का लुक मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ लाइक like, जो उनका एक रेट्रो लुक हुआ करता था एंड जिससे आप देख सकते हो कि मैंने साड़ी वेयर कर रही है एंड नो हेयर स्टाइल भी कुछ वैसे मैचिंग है तो या दैट्स इट सो आई एम वेरी एक्साइटेड तो देखते कैसा होता है एंड अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा है आपसे शेयर करूंगी मेकअप करते हुए सो या रियली वेरी एक्साइटेड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गड सो यह गायज अब अप्लाई कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पोन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र तो हम जो भी चीज़ फेस पे अप्लाई करते हैं एज अ बेस बिफोर मेकअप ज़रूरी है कि अपने नेक पे भी अप्लाई करें तो यहाँ पे मैं अपने नैक पर भी अप्लाई करूँगी मॉस्चराइजर को और काफ़ी अच्छा लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यू नो एलोवेरा जेल एंड मैंने आज तक यू नो प्राइमर नहीं लगाया मैं एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ लेबोलिया ब्रांड कुछ का है यह एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा है एंड अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं अब यहाँ पे बारी आती है कंसीलर की तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट किट जो भी होता है एंड मैंने ये लाइट शेड यूज करा है अपने अंडर आई एंड जो भी थोड़े बहुत मेरे को लगता है कि डार्क स्पॉट्स है मेरे फेस पे जहाँ पे यू नो ब्लैमिशेज है थोड़े बहुत हल्के हल्के वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ तो उसको जल्दी से बीटी ब्लाइडर की हेल्प से कवर कर लेते हैं ब्लाइंड कर लेते हैं एंड या अब आप देख सकते हो मेरा फेस हो गया अच्छी तरीके से यू नो अब तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो कि मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहा है लैकमे का यू नो लिक्विड फाउंडेशन है शेड नेचुरल मार्बल एंड काफ़ी टाइम से मैंने इसको रखा था परचेस करके बिकॉज़ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ यू नो बी बी क्रीम सी क्रीम मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर लेते हैं ठीक है एक्टिवेट करना ज़रूरी है एंड मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड या एंड ये जो फाउंडेशन का जो शेड है नेचुरल मार्बल मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बहुत ही लाइट शेड है ये ऐसा लगता है मुझे यार मैंने कुछ अपलाई नहीं करा है शायद इस इसका नाम है नेचुरल मार्बल क्योंकि एकदम नेचुरल शायद लुक देता है लाइट शेड है इस वजह से इससे पहले ही मैं लेग में के लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही बट वो शेड कोई दूसरा था एंड उससे मुझे अच्छी खास कवरेज मिल जाती थी एंड इस बार मैं नैचुरल मार्बल शेड यूज़ करूँ मुझे लग रहा फेस के टोन से काफ़ी मिलता है तो मैं मैं ये यूज़ कर लेती हूँ बट मुझे इससे कुछ अच्छा खासा कवरेज देखने को नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं चलो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं ब्लेंड 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 यस मोशन में अप्लाई करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको रब नहीं करना है बिकॉज अगर हम रब करेंगे तो हमारा जो बेस हमने यूज किया है लगाया है वो भी यू you नो know, हिलने लग जाएगा तो बहुत हो गया ज्ञान तो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन हो गया है अप्लाई एंड यह अच्छे से हो गया है बहुत टाइम लगा बट हो गया आप करना है कॉन्टोर तो मैं यूज़ कर रही हूँ इन साइड फ्लो कंसिले का दूसरा पैलेट जिसमें दूसरे शेड्स हैं तो यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ फॉर कॉन्टोर तो मैं ब्रश की हेल्प से अपने नोज़ पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड चिक्स पे भी कर लेते हैं अप्लाई एंड चिक्स पे नाइन मुझे करना पसंद नहीं है मैं करती नहीं हूँ बट आज कर रही हूँ बहुत ही कम वीडियो में मैं यू you नो know, कॉन्टोर गालों में भी करती हूँ एंड चलो करते हैं एंड यहाँ पर मैं ब्लू ब्लेंडर की हेल्प से इसको यू नो ब्लेंड कर रही हूँ कॉन्टोर को तो या करते हैं सो so, यहाँ पे हमारी कॉन्टोरिंग भी होती है डन एंड या हो गई अच्छे से ठीक है, है? <laughs> चलिए अब करते हैं कॉम्पैक्ट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी स्किन का कॉम्पैक्ट पाउडर तो फ्रंट में से कॉम्पैक्ट होता है पीछे पैन होता है तो मैं कॉम्पैक्ट करूँगी और काफ़ी अच्छा यू नो कवरेज देता है ये कॉम्पैक्ट मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा एंड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोज पेंसिल फॉर फिलिंग आवर ब्रोज सो जो काइज आई ब्रोज पेंसिल होते हैं ना तो लाइट पेंसिल वाले मुझे वो काफ़ी पसंद आते हैं बिकॉज मैं उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने ब्रोज फिल कर लेती हूँ बट जो क्रीमी वाले होते ना काइज उससे नहीं हो पाता बिकॉज यू नो कभी कभार बहुत डार्क हो जाता है एंड देन मिटाना पड़ता है बहुत ही होता है बट ये भी क्रीमी था हमने अप्लाई करा ब्रश आउट कर लिया एंड देन बारी आती है आई शेडो की सो so, मैं यहाँ पर सोच रही थी कौन सा शेड अप्लाई करूँ दैन मैंने चूज करा ये बहुत ही प्रीसा यू नो ऑरेंज शेड क्योंकि ये रियली बहुत ही पीडी लग रहा था अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे मैं आ, अप्लाई करी हूँ जस्ट यही नॉर्मल यू नो ऑरेंज शेड अप्लाई करूँगी कोई अदर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी आई शेडो में बिकॉज वो बहुत ही खराब हुई इसमें स्पेशली आई शेडो में मैं एक्सपेरिमेंट ठीक से कर ही नहीं पाती लाइक कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह तो चलो कोई बात नहीं आज इसे ब्लैंड कर लेते हैं एंड फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देते हैं क्योंकि टाइम लग ही जाता है ब्लेंडिंग में ओके डन हमारी आई शेडो डन हो चुकी है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आई लाइनर ठीक है जो कि ये भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट काम है एंड स्पेशली मेरी आँखों में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत ही मुझे ध्यान से आराम से लगाना पड़ता है तो इसलिए मैं स्केच लाइनर मोस्टली यूज़ करती हूँ एंड जो रेट्रो बॉलीवुड का जो मेकअप लुक हुआ करता था एक्ट्रेसेस का उनकी ना यू नो आई लाइनर काफ़ी प्रीढ़ी लगती थी और मैं ऐसी आई लाइनर स्टार्टिंग से लगाती हूँ तो <laughs> तो यहाँ पे यूज़ करते हैं यू नो ब्लश तो यहाँ पे मैंने प्री सा कलर यूज़ करा है फॉर ब्लश माई चिक्स एंड ब्लश कर लेते हैं यानी मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का ब्लश करना एंड हाईलाइटर वगैरह लगाना ये दो चीज़ें मुझे काफी पसंद है अपने मेकअप में बहुत ही ज्यादा एंड बाय आती लिप्स की तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाउँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन मैं लिप्स एंड देन यहाँ पे मैं पेंसिल जो लाइनर होती है ना जो लिप पेंसिल होती है मैं वही अप्लाई कर रही हूँ रेड कलर की देन इसको और एनहेंस करने के लिए मैं थोड़ा डार्क ब्राउन पेंसिल यूज कर रही हूँ एंड इससे बहुत ही पिट सा लुक निकल के आया है लिप्स का बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकती है बहुत ही पिटी लग रही है लिप्स एंड देन बारी आती है हाईलाइटर की तो मैं यहाँ आई शेडो पैलेट में से ये वाला शेड यूज करी हूँ एज अ हाईलाइटर जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है एज अ हाईलाइटर तो मैं मैंने इस चीज को यू नो एज अटर ही यूज करके रखा हुआ है कि भाई मैं ये एज अ हाईलाइटर यूज करूंगी एंड देन यहाँ पे रेडी होती हूँ मैं जो मैंने रिक्रिएट करा है रेडी होता है तो आप कमेंट में जरूर बताओगे कैसा लगा लगाज yeah, ये तो मेरा रेट्रो बॉलीवुड मेकअप लुक होप आपको पसंद आया होगा मुझे तो काफी पसंद आया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है कमेंट करके कि कितना अच्छा लगा यू नो एंड चाहे तो आप राइटिंग भी दे सकते हो टेन में से ठीक है तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ मैंने एग्जैक्ट वैसा कुछ लुक किया है या नहीं किया है मुझे काफी पसंद होता है यू नो ऐसा लुक करना रिक्रिएशन करना एंड काफी टाइम बाद में रिक्रिएशन कर रही हूँ सो so, यागो आपको पसंद आया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को कर देना लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करना मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय